हेलो एवरीवन, एस के जे स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पादप जगत का वर्गीकरण। तो आर एच विटकर द्वारा पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। तो इन्होंने पादप जगत को निम्नलिखित वर्गों में या फिर प्रभागों में बांटा है। तो मुख्यतः तीन प्रभाग में बांटा है पादप जगत को। एक हो गया शैवाल, जिसे एल्गी कहते हैं। दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा, और ये हुआ दूसरा ब्रायोफाइटा, और तीसरा हो गया ट्रैकियोफाइटा। तो इस प्रकार से तीन डिवीज़न में बांटा गया है पादप जगत को। उसके बाद सबसे पहले आता है शैवाल एल्गी डिवीज़न। तो इसको फिर से तीन वर्गों में बांटा गया है, एक रोडोफाइटा, फियोफाइटा और क्लोरोफाइटा। अर्थात रंग या फिर उनके जो विशेष अंग होते हैं या फिर कलर हो गया, रूप रंग आकार के आधार पर इसको तीन वर्गों में और बांटा गया है, रोडोफाइटा, फियोफाइटा, क्लोरोफाइटा। तो सबसे पहले है रोडोफाइटा। तो रोडोफाइटा मतलब होता है लाल शैवाल, जो अक्सर समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। इसमें आर फाइकोसायनिन और फाइकोएरिथ्रिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। अब आता है फियोफाइटा। फियोफाइटा मतलब होता है भूरे शैवाल। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें फियोफाइटा में फाइकोविलिन्स हो गया, बीटा कैरोटीन्स हो गया, ये सभी पिगमेंट पाए जाते हैं। और क्लोरोफाइटा हो गया, क्लोरो मतलब आपसे पता चल गया होगा कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसे हरे शैवाल कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी हरे प्रकार के शैवालों को रखा गया। अब आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा डिवीज़न को तीन वर्गों में बांटा गया है, हिपेटिसी, एंथोसिरोटी और मसाई। हिपेटिसी का एग्जांपल आपको बता रहे हैं हम लोग, मार्किंसिया हो गया और रिक्सिया। हिपेटिसी के अंडर में आता है मार्किंसिया और रिक्सिया। एंथोसिरोटी, एंथोसिरोटी में आता है एंथोसिरोस और नोथ्रोथैलस। मसाई के अंडरगत आता है, बेस्ट एग्जांपल है आपका मांस, जिसे फर्न कहते हैं, और इसे लीवरवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा तीन उप प्रभाग में बांटा गया है, सब डिवीज़न में बांटा गया है। फिर से ये डिवीज़न ट्रैकियोफाइटा हो गया, तो इसको तीन सब डिवीज़न में बांटा है, एक टेरिडोफाइटा और दूसरा जिम्नोस्पर्म और तीसरा एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा एक हो गया, साइक्लोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थोफाइटा और फिलोकोफाइटा।